आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। प्रदेश के कई जिलों में बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बाघ संरक्षण को लेकर विविध आयोजन किए गए। एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीलीभीत जिले में चलाए जा रहे बाघ मित्र कार्यक्रम की सराहना करते हुए लोगों को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से बाघ संरक्षण में योगदान सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री के टिप्पणी से पीलीभीत में बाघ संरक्षण मिशन में लगे स्वयंसेवकों का हौसला बढ़ गया है। हमारे पीलीभीत प्रतिनिधि ने बताया। पीलीभीत जनपद में वैश्विक बाघ दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की मालावर रेंज से सटे ग्राम लालपुर में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह, भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी भरत डी, WWF के परियोजना अधिकारी नरेश कुमार सहित विभाग के कई अधिकारी व वन्यजीव प्रेमी मौजूद रहे। प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने सभी को वैश्विक बाघ दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा। सबसे पहले तो सभी को हम ग्लोबल टाइगर डे की बधाई देना चाहेंगे आज के दिन के अवसर पे, और संदेश हमारा यही रहेगा कि हम लोग सब बहुत लकी हैं पीलीभीत के इतने निवासी हैं कि यहाँ पर इतना अच्छा जंगल है और इन जंगलों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ अगर हम देखें तो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है, तो अगर हम बाघों को बचाते हैं, बाघों को बचाने का मतलब है कहीं ना कहीं हम अपने आप को खुद को बचा रहे हैं। अगर ये जंगल बाघ बचे रहेंगे तो बाघ के सहारे ये जंगल बचा रहेगा, और अगर जंगल बचा रहेगा तो जंगल से जो हमको शुद्ध वायु मिलती है, शुद्ध पानी मिलता है, जो मिट्टी हमारी है जिसकी वजह से यहाँ की खेती बहुत अच्छी है, वो सब बचा पाएंगे। तो यानी कि बाघ को अगर बचाते हैं हम लोग हैं तो किसी न किसी प्रकार से हम पूरी मानवता को जो है बचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीलीभीत के बाघ मित्र कार्यक्रम से मानव वन्य जीव संघर्ष कम होने की बात मन की बात में कहते हुए इस नवाचार की सराहना की। इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रदेश के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए बाघ मित्र कार्यक्रम का श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में वन विभाग जिस तरह से कार्य कर रहा है उसकी सराहना मन की बात कार्यक्रम में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने की है, और हमारे यहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 120 बाघ मित्र हैं। विभिन्न गांवों के रहने वाले ये लोग हैं, इनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और इनका काम ये है लोगों को बतलाना कि बाघ तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बाघ को भी रहना है और तुम्हें भी रहना है। प्रदेश के प्रधान मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक वन्यजीव संजय श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि पीलीभीत में 120 पुरुष और 4 महिला बाघ मित्र 2019 से बेहतर काम कर रहे हैं। इनकी सक्रियता से मानव वन्यजीव संघर्ष कम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के पूर्व संध्या के उपलक्ष्य में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ मित्र के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर आपके इस शुभकामनाओं के, हम लोग का मनोबल बढ़ा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अधिकारी, कर्मचारी, बाघ मित्र और वन्य जीव प्रेमी प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई सराहना से काफी खुश हैं और उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है। महज 10 वर्ष पुराने पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पिछली गणना के अनुसार 71 बाघ थे, जिनकी मौजूदा संख्या 100 के आसपास है। देश दुनिया के हजारों सैलानी बाघ देखने पीलीभीत पहुँच रहे हैं। समाचार दर्शन के लिए पीलीभीत से मैं सतीश मिश्र। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता और गांवों में पंचायत का आयोजन कर लोगों को बाघों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखने का संदेश दिया गया। जनपद में 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे काफी धूमधाम से जनता को जागरूक करने के लिए मनाया गया। इस अवसर पर स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता, जंगल के आसपास के गांवों में पंचायत कर बाघों के प्रति प्रेम और दया का संदेश वन जीव प्रेमी और वन अधिकारियों ने दिया। मानव और बाघ संघर्ष को ध्यान में रखते हुए बाघ मित्रों को अग्रणी रणनीति के बारे में भी
जागरूक किया गया तथा जंगल के आसपास के क्षेत्रों में बाघों से बचाव और सुरक्षा के इंतजामों के बारे में जानकारी भी दी गई। दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ललित वर्मा ने टाइगर डे पर यह बताते हुए खुशी जाहिर की कि 1970 में बाघों की संख्या 50 थी, जबकि 1980 में यह संख्या बढ़कर 57 हो गई। 2000 में 77, 2006 में 70, 2010 में 80, 2014 में 68, 2018 में 107 और सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 में दुधवा टाइगर रिजर्व के बाघों का कुनबा बढ़कर 153 पर पहुंच गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए यह आंकड़े बाघों के संरक्षण एवं संवर्धन का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब जंगल छोटा पड़ने लगा है, जिससे बाघ गन्ने के खेतों की तरफ अपना रुख करते नजर आ रहे हैं। बरसों से तराई का इलाका मानव बाघ संघर्ष का गढ़ बनता जा रहा है। हम सभी इस बात की चिंता को ध्यान में रखकर आसपास की बस्तियों को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले समय में बाघों के भटकाव के कारण मानव एवं बाघ संघर्ष बिल्कुल भी ना हो। इसके लिए कॉरिडोर बनाकर जंगलों को जोड़ने का कार्य काफी तेजी से चल रहा है। दुधवा टाइगर रिवर से बहराइच के कर्तनिया घाट का 60 किलोमीटर एरिया तथा दुधवा से किशनपुर सेंचुरी का 15 किलोमीटर तक का क्षेत्र कॉरिडोर बनाने के लिए हम सभी ने सहमत बनाकर प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। उन्होंने बताया कॉरिडोर निर्माण को लेकर बाघ संरक्षण समिति ने अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। किशनपुर, दुधवा और कर्तनिया घाट के जंगलों को जोड़ने के लिए सर्वे भी पूरा किया जा चुका है। फील्ड डायरेक्टर ने कहा एक समिति बनाई गई है जो अपने सुझाव सरकार को समय समय पर देती भी रहेगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि बाघों की चहलकदमी को ध्यान में रखते हुए ड्रोन कैमरों से अब उन पर नजर रखी जाएगी। फिलहाल बाघों की बढ़ती संख्या से वन्य जीव प्रेमी सहित बाघ दिवस के अवसर पर वन अधिकारी काफी प्रसन्न नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ती मानव बाघ संघर्ष की घटनाओं को लेकर चिंताएं भी इस अवसर पर सभी वन्य जीव प्रेमियों में देखी गई। श्याम जी अग्निहोत्री, आकाशवाणी समाचार, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर इटावा के लायन सफारी में अनुभूति कार्यक्रम कराने का निर्णय लिया गया। इसके तहत प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को ग्रामीण अंचल के स्कूली बच्चों को सफारी का भ्रमण कराया जाएगा। अनुभूति कार्यक्रम की जानकारी देती हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर एक नवीन पहल करते हुए इटावा सफारी पार्क में अनुभूति कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है, जिसमें ग्रामीण अंचल के विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको फ्री में हर शुक्रवार को इटावा सफारी पार्क में भ्रमण कराने का कार्यक्रम जो आयोजित किया जाएगा। इसी के क्रम में नगला भग प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को इटावा सफारी पार्क में भ्रमण कराया गया और उसके बाद इटावा सफारी पार्क के जितने भी कर्मचारी हैं और इन स्कूली बच्चों के साथ में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेन फोकस टाइगर पे किया गया। तो इस ग्लोबल टाइगर डे में सभी वन्य जीवों के प्रति जागरूक करने के लिए इन लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में बाघ दिवस को कॉल फॉर एक्शन थीम पर मनाया गया। इस अवसर पर प्राणी उद्यान में आने वाले पर्यटकों को बाघ के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। वहां बाघ संरक्षण को लेकर प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। वहां से हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। बाघों के संरक्षण को महत्व देने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाए जाने के क्रम में गोरखपुर जनपद के शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस उल्लास के साथ को मनाया गया। प्राणी उद्यान में सफ़ेद बाघिन गीता, मैलानी, अमर और शक्ति संघ प्राणी उद्यान कर्मियों ने बाघ दिवस मनाया। इन सभी बाघ एवं बाघिन को मटन का आहार केक की तरह सजाकर दिया गया। आने वाले पर्यटकों को बाघ के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्राणी उद्यान के निदेशक डॉक्टर विकास यादव ने कहा कि पिछले कुछ साल में भारत में बाघों की संख्या में काफ़ी सुधार आया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाघों के संरक्षण को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। आकाशवाणी समाचार दर्शन के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन सुशील चंद्र तिवारी और वाचन विकास राय।